हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड बैक अनदर वीडियो तो टुडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन द पेपर वन रिसर्च एप्टीट्यूड एम तो रिसर्च एप्टीट्यूड के बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एम को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम बेसिस पर मिलते रहेंगे सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट सेट एग्जामिनेशन इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट तो अन एकेडमी के लाइव प्लेटफॉर्म पे मैं सारे के सारे स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री में ले रहा हूँ तो बेसिकली ये जो स्पेशल क्लासेस है वो हर दिन रात को आठ बजे होते हैं अभी कल का जो स्पेशल क्लास है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा कोड आप यूज कर सकते हैं राहुल मोहिले और आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे पढ़ना चाहते हैं तो आपको उस पर टेन परसेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा एज वेल एज़ आप अगर फ्री प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहते हैं तो भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको सारे के सारे सेशन जो होंगे वो अनलॉक हो जाएंगे तो दिस इज़ माय प्रोफाइल आपको सिर्फ अन लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और मेरे प्रोफाइल को आपको फॉलो करना है ठीक है और मेरा कोड डालना है राहुल मोहिले ताकि आपको जो फ्री सेशन है वो आपको एक्सेस हो जाए तो दिस इज द द डिटेल्स ऑफ प्रोफाइल चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन द मोस्ट सुटेबल सैंपलिंग मेथड इज तो देखो क्रक्स काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम रिसर्च प्रॉब्लम को हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के बेसिस पे देखेंगे कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है हमारा वो तो अगर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से रिलेट करेगा मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का पॉपुलेशन उसमें होगा तो इनमें से सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा सूटेबल मेथड कौन सा होगा क्लस्टर सैम्पलिंग ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कन्वीनियंट सैम्पलिंग या लॉटरी मेथड तो कौन सा होगा सबसे सूटेबल मेथड होगा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं इस पर हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राटा को प्रिपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे हम सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करते हैं

और दूसरा होता है हमारा नॉन पैरामेट्रिक ठीक है अगर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज़ करते हैं और अगर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहा तो फिर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज़ करते हैं जैसे कि आपका काई स्क्वेयर टेस्ट क्रिस्किल वैलिस टेस्ट ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक पे यूज़ होते हैं तो पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें हमारा एफ टेस्ट होता है टी टेस्ट होता है जेड टेस्ट होता है Anova होता है ऐसे बहुत सारे होगा एज वेल एज टू टेल्ड भी होगा दैट डिपेंड्स अपॉन आवर हाइपोथिस आपका हाइपोथिस कैसा है उसके बेसिस पे वो डिपेंड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन Strategy. देखो नेट के पेपर में एन टी नेट का पेपर हो या आप अगर कोई भी स्टेट से, से सेट का पेपर देते हो तो एक रिसर्च के ऊपर बार बार आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज कॉल्ड एज एक्शन रिसर्च तो एक्शन रिसर्च मतलब जिसके लिए हम इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जो रिसर्च काम करता है तो ये अगर इसके सीक्वेंस को देखे इसके साइक्लिक नेचर को देखे तो ध्यान से देखो रिफ्लेक्ट ऑब्जर्व प्लान एंड एक्ट ऑब्जर्व एक्ट रिफ्लेक्ट एंड प्लान प्लान तो सबसे पहले आना चाहिए तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा प्लान रहेगा फिर एक्ट होगा फिर ऑब्जर्व होगा और उसके बाद रिफ्लेक्ट आएगा काफी सिंपल क्वेश्चन है बट ये टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार पेपर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूजली पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज प्रॉब्लम ऑफ जो रिसर्च एथिक्स है वो कौन से एस्पेक्ट के बेसिस पे होगा फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ द थीसिस डेटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स डिफाइन द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड रिसर्च देखो रिसर्च एथिक्स का जो प्रॉब्लम है इनमें से अगर अप्रोप्रिएट पॉइंट देखे तो दैट विल बी एविडेंस बेस्ड रिसर्च आपका जो रिसर्च होना चाहिए वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए आप जो भी रिसर्च करते हो आप जो भी एनालिसिस करते हो आप जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करते हो दैट शुड बी एविडेंस बेस्ड तो ये एविडेंस बेस होना चाहिए ये ये रिसर्च रिसर्च एथिक्स का जो प्रॉब्लम है, एविडेंस के बेसिस पे रिलेट कर रहा है नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है फंडामेंटल रिसर्च अप्लाइड रिसर्च एक्शन रिसर्च एंड इवेल्युएटिव रिसर्च ध्यान से बहुत ही इंपॉर्टेंट देखो जहां पे भी फंडामेंटल रिसर्च की बात करेंगे तो फंडामेंटल के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है बेसिक रिसर्च ठीक है बेसिक रिसर्च है ये बेसिक रिसर्च जो आपका थियोरी के ऊपर काम करेगा थियरी बिल्डिंग के ऊपर काम करेगा तो देखो अगर हम ऑप्शन के बेसिस पे देखें तो डेवलपिंग एंड इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थियरी बिल्डिंग तो राइट right आंसर आपका इसका बनेगा सेकेंड ऑप्शन ठीक है फिर अप्लाइड रिसर्च अप्लाइड रिसर्च क्या करते हैं हम अप्लाइड रिसर्च में हम अप्लाई करने का काम करते हैं पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने का काम करते हैं तो अप्लाइड रिसर्च का ये बनेगा आपका एक्सप्लोरिंग ठीक है एक्शन रिसर्च में क्या होता है हम एक्शन uh, रिसर्च में एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन होती है में तो हम इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या उसके सॉल्यूशंस के ऊपर काम करने के लिए काम करते हैं तो इसका थर्ड मिलेगा और इवेल्युएटिव रिसर्च क्या होता है

या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो मैंने आपको अभी बताया था कि एन का फेवरेट टाइप का रिसर्च अगर कोई है तो वो है एक्शन रिसर्च किसी ना किसी तरीके से आपको एक्शन रिसर्च का एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने मिलता ही है तो अगर हम प्रीवेलिंग सिचुएशंस के ऊपर उसके बेसिस पे कुछ उसका सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए काम करेंगे उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करेंगे सिचुएशंस के बेसिस पे तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्शन रिसर्च इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमोंग द फॉलोइंग यूज द टर्म वेरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम जे एल बैड जे एल मर्फी आर ए फिशर ए रुदी शॉन तो देखो अगर हम ध्यान से देखें तो आपको शायद इसका एंसर लॉजिकली भी समझ में आया होगा कि ये जो वेरियंस का कंसेप्ट है ये किसने दिया था आर ए फिशर ने दिया था किसने दिया था आर ए फिशर ने दिया फिर डिडक्टिव थियोरी इज वन दैट देखो दो टाइप के थियोरीज होते हैं दो टाइप के रिसर्च होते हैं दो टाइप के मेथड्स होते हैं दैट इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव तो डिडक्टिव क्या कहता है देखो इंडक्टिव और डिडक्टिव में दोनों आपको बता देता हूँ एक है आपका इंडक्टिव और दूसरा है आपका डिडक्टिव डिडक्टिव की बात करें तो जनरलाइज से हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं मतलब ऑलरेडी हमारे पास डिडक्टिव में क्या होती है ऑलरेडी हमारे पास कोई थियोरी होती है और उस थियोरी से हम क्या करते हैं स्पेसिफिक चीज तक जाते हैं और वहां पे हम हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं ठीक है थीके? तो हाइपोथिस uh, टेस्टिंग हम किस में करेंगे हम हमारे डिडक्टिव रिसर्च में करेंगे तो जनरलाइज टू स्पेसिफिक जनरल टू स्पेसिफिक हमेशा और अगर इंडक्टिव की बात करें तो वो स्पेसिफिक टू जनरलाइज मतलब यहाँ पे हमारे पास थियरी नहीं होती हम नीचे से शुरू करते ऊपर ऊपर जाते हैं और हम थियोरी तक पहुँचते हैं इसीलिए इंडक्टिव को हम हमेशा बॉटम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं और डिडक्टिव जो रिसर्च होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है इसलिए ये जो होता है वो टॉप डाउन डाउन अप्रोच भी इसको कहा जाता है तो अभी देखो इसमें से ध्यान से ऑप्शन देखते हैं डिडक्टिव थियोरी इज वन दैट अलाउस थियोरी टू इमर्ज इमर्ज थियरी तो उसमें से इमर्ज नहीं ऑलरेडी थ्योरी हमारे पास होती है इन्वॉल्व टेस्टिंग एंड एक्सप्लीसिटली डिफाइंड हाइपोथिस अलाउस फॉर फाइंडिंग्स टू फीड बैक इन टू ऑफ नॉलेज यूज क्वालिटेटिव मेथड्स वेर एवर पॉसिबल देखो इन्वॉल्व टेस्टिंग एंड एक्सप्लेटली डिफाइंड हाइपोथिस अभी मैंने आपको बताया था कि डिडक्टिव जो थियोरी होती है उसमें हम क्या करते हैं उसमें हम हाइपोथिस को टेस्ट करने का काम करते हैं बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास थियोरी होती है ये थोड़ा सा डिटेल है इंडक्टिव और डिडक्टिव के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा कलेक्शन मेथड तो इनमें से कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड नहीं है रिसर्च क्वेश्चन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पोस्टल सर्वे क्वेश्चनर्स पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर वन जो है रिसर्च क्वेश्चन ये कोई डेटा कलेक्शन का मेथड नहीं है तो यही हमारा राइट आंसर बनेगा बाकी के सारे जो है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूइंग पोस्टल सर्वे क्वेश्चनर्स एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये तीनों के तीनों जो है ये आपके डेटा कलेक्शन के टेक्निक है डेटा कलेक्शन के ये मेथड्स है तो पहला आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए वो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा फिर इंडक्टिव के बारे में पूछ रहा है अभी

उससे हम क्या करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग तक जाते हैं ठीक है दैट्स इट क्वेश्चन नंबर क्वालिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव ठीक है और क्वांटिटेटिव दो टाइप के रिसर्च मेथड्स होते हैं तो अगर क्वांटिटेटिव की बात करें तो वो नंबर्स के साथ रिलेट करेगा क्वालिटेटिव की बात करेगा तो फिर वो नंबर्स के साथ रिलेट नहीं करने वाला क्वालिटेटिव जो है क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी प्लेस अ वैल्यू ऑन यूजिंग नंबर्स मेशरमेंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये तो हो नहीं सकता बिकॉज ये आपका क्वांटिटेटिव, जनरेटिंग थियोरीज थ्रू इंडक्टिव रिसर्च अबाउट सोशल राइट आंसर आपका बनेगा जनरेटिंग थियोरीज थ्रू इंडक्टिव रिसर्च अबाउट सोशल मीनिंग बिकॉज इंडक्टिव रिसर्च को ही हम क्वालिटेटिव रिसर्च भी कहते हैं और डिडक्टिव रिसर्च को ही हम क्वान्टिटेटिव रिसर्च भी कहते हैं ठीक है थीके? चलो आगे बढ़ते हैं रिसर्चर fails to reject the null hypothesis in his research work what implications will it carry for his research hypothesis yahan se dekho hamare do type ke hypothesis hum set karte hain ek hai aapka h0 एक है आपका H0 जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम null hypothesis कहते हैं और एक होता है आपका H1 जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम alternate hypothesis कहते हैं नल हाइपोथेसिस इज ऑलवेज टेस्टेड नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं और उसके बेसिस पे देखते हैं कि नल रिजेक्ट हो, होने वाला है या नहीं नल तो तो पे क्या पूछा है रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोटिस जो रिसर्चर है ठीक है तो क्या होगा तो रिसर्चर जो है वो नल को रिजेक्ट नहीं कर पाया इसका मतलब वो नल को एक्सेप्ट कर लिया उसने लेकिन उसके केस में क्या होगा रिजेक्टिंग दी रिसर्च हाइपोथिस ठीक है आपका जो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है वो जो आपका अल्टरनेट हाइपोथिस है वो आपका रिसर्च हाइपोथिस वो रिजेक्ट हो गया क्यों क्यों रिजेक्ट हो गया के लिए जो रिसर्चर था उसको नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना करने के लिए पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज डेटा ऐसे आपके पास आया कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं हो पाया नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया लेकिन यूजुअली नल हाइपोथेसिस जब एक्सेप्ट होता है तब तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कहते कि नल हाइपोथिस एक्सेप्टेड हम कहते हैं कि वी फेल टू रिजेक्ट द नल रिजेक्टो ठीक है तो बेसिकली दैट इज द द्वाइंट गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम सैट तो गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर जिसको हम कहते हैं हमारे शॉर्ट फॉर्म में आर ओ एल तो जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है दैट एम्स एट सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द कंटेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑथर्स एंड देयर एफिलिएशंस जनरेटिंग रिसर्च क्वेश्चन एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चन कंडक्टिंग मल्टीपल टास्क बेस्ड स्क्रीनिंग देखो गुड रिव्यू ऑफ लिटरे जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें क्या मिलता है हमें वेरिएबल्स मिलते हैं हमें रिसर्च क्वेश्चंस मिलते हैं कि जो ऑलरेडी रिसर्च करके बैठे हैं उन्होंने क्या क्या चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जिसको हम आगे कंटिन्यू करके रिसर्च कर सकते दैट इज वाई राइट आंसर विल बी जनरेटिंग रिसर्च क्वेश्चन एंड वैलिडेटिंग दोस्त ठीक है इन एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आई थिंक आप सभी को इसका कंसेप्ट पता होगा जिनको भी नहीं पता है अभी ध्यान से समझ लेना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है आपका डिपेंडेंट ठीक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा हम क्या करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा हम मैनिपुलेट करते हैं और हम उसका इंपैक्ट देखते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जाम्पल है टीचर और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जाम्पल है स्टूडेंट टीचर क्या करता है टीचर खुद के टीचिंग को मैनुपलेट करता है और उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट के ऊपर देखता है ठीक है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा मैनुपोलेट होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा मैनुपोलेट नहीं होता द वन दैट इज नॉट मैन्युपलेटेड एंड इन विच एनी चेंजेस आर ऑब्जर्व ठीक है तो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ही हम चेंजेस देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपलेट होता है और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम क्या करते हैं उसके चेंजेस को ध्यान से ऑब्जर्व करने का काम करते हैं दैट वाज द क्वेश्चन आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स तो इनमें से क्वालिटेटिव के जो रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको ढूंढना है देखो क्वालिटेटिव में नंबर्स नहीं आएंगे तो जहां पे भी न्यूमेरिकल चीजें दिखती है वो कैंसिल कर लेंगे कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डेटा है तो ये आपका कैंसिल हो गया ठीक है कि आपका कैंसिल बन गया चार नंबर का ऑप्शन कैंसिल बन गया मतलब ये आपका गया और ये आपका गया तो अभी ऑप्शन नंबर ए और बी आपके पास बच क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चन इन अ ब्रॉड वे देखो क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये भी आपका गया तो ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर थ्री और ऑप्शन नंबर फाइव आपका राइट आंसर बिकॉज फोर तो हमने गलत कर लिया तो तो राइट right आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए टू थ्री एंड फाइव आर द ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च ठीक है है नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट फॉर्मेट का क्वेश्चन ऑफ द कांबर वन अटिटेटिव टेंटिटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन इज हाइपोथिस एंड अल्टरनेट हाइपोथिस इज द हाइपोथिस विच इज टू बी टेस्टेड ध्यान से हाइपोथिस क्या है हाइपोथिस एक हम टेंटेटिव स्टेटमेंट कर रहे हैं और वो टे टेंटिटिव स्टेटमेंट हमेशा दो वेरिएबल्स के बीच में होगा और फिर ये जो दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे यूनिवेरिएट बाई वेरिएट उसके बेसिस पे फिर हम उसके ऊपर टेस्ट लगाने का काम करते हैं और वो लास्ट में हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं दो टाइप के हाइपोथेसिस हमारे यूजुअली सेट होते हैं एक होता है हमारा एच जीरो जिसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं और एक होता है हमारा एच वन जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बेसिस पे जानते हैं होता तो होता है जब तक ये टेस्ट है, तक ये ये नहीं नहीं करते तब इसलिए सर, बिल्कुल सही वन आपका सही है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस विच इज टू बी टेस्टेड बिल्कुल गलत हमेशा हम हमारे नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस है को हम कभी भी टेस्ट नहीं करते तो आपको ध्यान रखना है it is the null hypothesis which is to be tested and we will be seeing that if null hypothesis is accepted no problem alternate will be rejected if null hypothesis is rejected that indicates alternate hypothesis will be accepted so आपका पहला statement यहां पे सही है दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है चलो बढ़िया क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट प्लेगरिज्म इन रिसर्च इज कॉपिंग अनस्क्रिपलेसली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट प्लेगरिज्म मतलब दूसरे का चीज़ ढाप लेना दूसरे का चीज़ कॉपी कर लेना और उसको अपना नाम देके प्रेजेंट करना तो बिल्कुल सही है जो स्टेटमेंट नंबर वन है आपका ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट नंबर टू कहता है नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस बहुत आर टेस्टेड मैंने अभी आपके साथ बात की थी कि नल हाइपोथेसिस ही हमेशा टेस्ट होता है अल्टरनेट कभी टेस्ट नहीं होता तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत फिर से वही आंसर स्टेटमेंट नंबर वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर टू इज ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट Which of the following statements are correct? Again वही type के question। uh, Fundamental research is also known as theory building research, और inductive research is a general to specific approach। देखो fundamental research में आपको मैंने क्या बताया था? आपको याद रखना है pure research। तो fundamental research जो है वही theory building का research होता है। बिल्कुल सही है statement number one। Inductive research is general to specific। तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक था inductive, एक था deductive। Deductive हमारा general to specific होता है। और इंडक्टिव हमारा स्पेसिफिक टू जनरल होता है तो यहाँ पे तो बोल रहा है जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच है बिल्कुल गलत तो स्टेटमेंट नंबर जो सेकंड है उसमें डिडक्टिव अप्रोच होना चाहिए था बट यहाँ पे इंडक्टिव है मतलब स्टेटमेंट नंबर टू फिर से गलत वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर टू इज इनकरेक्ट आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू काफी बढ़िया बढ़िया एमसीक्यूज आपको अभी मिलने वाले हैं यूट्यूब पे भी तो अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम का चैनल भी है लास्ट मिनट रिविजन भी डायरे सेम सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से आप फॉलो करके जो तो वहाँ से आपको पी भी मिलते रहेंगे ठीक है चलो बढ़िया है अगले क्वेश्चन में जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके साथ

देते हैं ताकि दो लोग फर्दर इंटरेस्टेड है रिसर्च करने में उसको उसका हेल्प हो जाए बिब्लियोग्राफी इवन इन द रिसर्च रिपोर्ट हेल्प हु आर इंटरेस्टेड इन द फर्दर रिसर्च दैट बोथ द रिसमेंट आर करेक्ट तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर यहां पे बन जाए फर्स्ट इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट मेल्ड क्वेश्चनर इंटरव्यू एंड कलेक्टिव क्वेश्चनर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी डेटा वो मेल्ड क्वेश्चनर इंटरव्यू एंड कलेक्टिव क्वेश्चन ऐसा इन्होंने दटीट्यूड स्केलिंग स्केल इज लीक स्केल स्केल में हम क्या करते हैं हम फाइव पॉइंट रिलीकट स्केल यूज करते हैं सेवन पॉइंट लीकट स्केल यूज करते हैं जिसमें हम यूजअली जो स्टेटमेंट होता है उसको अलग अलग तरीके से उसकी बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ट्राई करते हैं एग्री स्ट्रांगली एग्री डिस ऐसे <SSIB> टाइप के उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं ताकि वो आ, जो क्वेश्चनर्स है उसके हमें बेसिस पे हमें डिटेल मिल पाए ईजीएस्ट एटीट्यूडनल स्केल बिल्कुल आपका लिकट स्केल है सिंपल होता है समझने के लिए भी मेल्ड है इंटरव्यू एंड कलेक्टिव क्वेश्चन है क्या ये एग्जाम्पल सेकेंडरी डेटा के है नहीं रे नहीं ये एग्जाम्पल हमारे है प्राइमरी डेटा के ठीक है तो प्राइमरी डेटा के ये एग्जाम्पल्स है तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर टू इज करेक्ट द राइट आंसर इसमें मैंने थोड़ा सा इसमें गलत कर दिया है तो ये आपको ये गलत टिक मार्क हुआ है ये आपका गलत है ठीक है मेल्ड क्वेश्चन एयर जो है वो हमारे प्राइमरी डेटा का फैक्टर है तो स्टेटमेंट नंबर वन जो है वो इनकरेक्ट है ये आपका सही आंसर है ये आपका सहीसर बाई मिस्टेक वो मैंने रेड कर दिया धान से मेल्ड अगर हम किसी को क्वेश्चन एयर मेल करेंगे तो वो जो सामने वाला बंदा होगा वो उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन देगा तो क्या सेकेंडरी डेटा हो गया सेकेंडरी डेटा मतलब गूगल से लिया हुआ डेटा सेकेंडरी डेटा मतलब मैगजीन से सोवेनियर से पब्लिकेशन से लिया हुआ डेटा तो ये आपका प्राइमरी डेटा कहा जाएगा तो स्टेटमेंट नंबर वन आपका गलत हो जाएगा ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अ क्वेश्चन दैट ऑफर्स नो स्कोप फॉर एनी रेस्पॉन्डेंट्स ओन व्यू इज ओपन एंडेड एंड एक्शन रिसर्च हैज अ पोटेंशियल फॉर एनहांसिंग टीचिंग कॉम्पिटेंसीज ध्यान से तो अगर हम किसी से भी क्वेश्चन भर के लेते हैं और हम उसको सिर्फ और सिर्फ यस yes, नो no का ऑप्शन देते हैं तो वो कौन से टाइप का क्वेश्चन होगा या फिर हम अगर हमारे रेस्पोंडेंट्स को कहते हैं कि जो भी आपको लगता है वो भी आप भर सकते हो तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है अ क्वेश्चनर दैट ऑफर्स नो स्कोप फॉर एनी रेस्पोंडेंट्स ओन व्यू इज ओपन एंडेड नहीं रे नहीं ये ओपन एंडेड नहीं होता ये क्लोज एंडेड होता है मतलब जहां पे भी रेस्पोंडेंट उसकी राय नहीं दे सकता ओपन एंडेड मतलब जहां पर रेस्पॉन्डेंट खुद की राय दे सकता है तो पहला स्टेटमेंट गलत एक्शन रिसर्च एज अ पोटेंशियल फॉर एनहांसिंग टीचिंग कॉम्पिटेंस इज बिल्कुल सही बिकॉज एक्शन रिसर्च ही एक सेट एक ऐसे टाइप का रिसर्च है तो इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड होता है तो स्टेटमेंट नंबर टू आपका सही स्टेटमेंट नंबर वन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट

सिंपल रैंडम सैंपलिंग होगा सिंपल रैंडम रैंडम सैंपलिंग हो जाएगा दैट विल बी द पॉइंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर नंबर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन इज मोस्ट ऑफन यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजियल रिसर्च डिजाइन आर यूज इन क्वान्टिटेटिव रिसर्च डिजाइन बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है तो ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट है तो आपका एक्सप्लोरेटरी होता है जहां पर हम क्या करते हैं हम एक्सप्लोर करने का काम करते हैं जैसे कि हमारा एथिनोग्राफिक रिसर्च एथिनोग्राफिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है एथिनोग्राफिक मतलब एक क्वालिटेटिव रिसर्च है हम क्या करते हैं हम एक स्पेसिफिक एरिया में जाएंगे जैसे हम अगर रूरल एरियाज में जाएंगे ट्राइबल एरियाज में जाएंगे जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं वो कैसे रहते हैं उनका कल्चर क्या है वो क्या खाते हैं हम उसके ऊपर अगर रिसर्च करते हैं दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एंड दैट इज बीन रिलेटेड विद दी एथिनोग्राफिक रिसर्च तो एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च डिजाइन है वो आपका क्वालिटेटिव को रिलेट करेगा बिल्कुल सही स्टेट

तो इनमें से कौन से आपके पैरा टेस्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग दर कंसिडर एस टेस्ट ठीक है ध्यान से पैरामेट्रिक टेस्ट की अगर बात करें तो टेस्ट टेस्ट एफ टी टेस्ट जेड टेस्ट आपके ये, ये के टेस्ट आते हैं बाकी सारे जो काई स्क्वायर टेस्ट क्रूस्केल वैलीजन ये सारे जो होते हैं हमारे ये हमारे नॉन पैरामेट्रिक में आते हैं ठीक है तो देखो अभी मैन विट वगैरह वो, वो सब दिया है एफ टेस्ट जो है, है हमारा पैरा है टी टेस्ट भी पैरा है

तो ही हम पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं और अगर हमारा पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर हम नॉन पैरामेट्रिक यहाँ पे मैक्सिमम एसोसिएशन ढूंढने के लिए काई आई टेस्ट को यूज़ किया जाता है दैट वॉज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या एम सी क्यू सीरीज अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कल रात को आठ बजे लाइव सेशन होगा टेलीग्राम अन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर आप आइए ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से वहाँ पर पढ़ने मिले थैंक यू वेरी मच चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर इल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर